सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसे रिसेट करना चाहते हैं, भूल गए हैं, या फिर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आप इस वीडियो में रिसेट या फिर चेंज अपना यूपीआई पिन कैसे कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल बटन को भी ज़रूर दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन चेंज करने के लिए या फिर उसको रिसेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन पे ऐप को ओपन करना है। और इसे ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है आपका प्रोफाइल का फ़ोटो, तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। और जैसा आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको बैंक वाला ऑप्शन मिलेगा, बैंक अकाउंट। तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। और जैसा आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपका बैंक शो हो जाएगा, जिस बैंक का भी आप अपना यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको अपने उस वाले बैंक पर क्लिक करना है। जैसे कि यहां पर मेरा बैंक शो हो रहा है, अगर आपके में दो होंगे तो यहां पर आपको दो शो हो जाएंगे। तो यहां पर मैं अपने इस वाले का बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ अपने बैंक पर। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसेट का और चेंज का। अगर आप भूल गए हो अपना पिन तो यहाँ पर आपको रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे हम रिसेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको मिलता है डेबिट एटीएम कार्ड डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट नंबर डालने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपके एटीएम पर जो नंबर होता है उसके आपको लास्ट के 6 डिजिट नंबर डालने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे डालना है वैलिड अप टू डेट, यानी कि उसकी डेट जो होती है एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर चलिए मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट नंबर डाल दिए हैं और अपनी एक्सपायरी डेट डाल दी है। तो यहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट आपके एटीएम कार्ड पे लिखी होती है, यहाँ पर आपको वो डालनी है। जिस तरीके से लिखी हुई है आपको वैसे यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है नीचे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने OTP को डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको नीचे राइट पर क्लिक करना है। जैसे आप राइट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेट 6 डिजिट UPI पिन। यहाँ पर आप अपना नया वाला पिन गेर सकते हो, जो भी आप अपना बनाना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना 6 डिजिट का UPI पिन डाल देता हूँ, नया वाला यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको डालने के बाद फिर राइट पर क्लिक करना है नीचे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार और डालना है। फिर इसके बाद डालने के बाद आपको दोबारा यहाँ पर आपको नीचे राइट पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो पिन है वो सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे UPI पिन सक्सेसफुली सेट। तो इस तरीके से आप अपना जो पिन है उसका इस तरीके से रिसेट कर सकते हो अगर आप भूल चुके हो। अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपना पहले वाला UPI पिन डालना है, जो भी आपका पहले वाला UPI पिन है। तो यहाँ पर मैंने अपना पहले वाला UPI पिन डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे राइट पर क्लिक करना है। और जैसा आप राइट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपना कोई भी अपना मनचाहा पिन बना सकते हो 6 नंबर का। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना नया पिन बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे राइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक बार और कंफर्म करना है अपना नया वाला पिन, और दूसरी बार डालने के बाद यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करना है। और जैसा आप राइट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो पिन है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो UPI पिन है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोन पे का UPI पिन रिसेट या फिर चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर करना।